यूपी चुनाव की सुगबुगाहटों के बीच अखिलेश यादव अपनी साइकिल की रफ्तार लगातार तेज करते जा रहे हैं। अब आलम यह है कि अब तक इसकी चपेट में सिर्फ बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की सरकार आते नजर आ रहे हैं, पर अब लगता है कि अखिलेश हर वो दल जो उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है उसे चकनाचूर करने पर आमादा हो चुके हैं। हाल ही में यूपी की राजनीति में ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है जो ये साफ जाहिर करता है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जरूरत पड़ी तो अपनी बुआ यानी कि मायावती की पार्टी को तोड़ने से भी वो चूकने वाले नहीं है। ये अटकलें इसलिए जोर पकड़ रही हैं क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव से बीएसपी के 9 विधायकों ने मुलाकात की है। ये 9 विधायक हैं असलम रायनी, असलीम अली चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, वंदना सिंह, रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह। ये वो विधायक हैं जिन्हें मायावती ने अपनी पार्टी बीएसपी से निष्कासित कर दिया था। याद दिला दे, विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक मायावती 11 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। अब मायावती के खाते में सिर्फ 7 ही विधायक बचे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन विधायकों के समाजवादी पार्टी में जुड़ने से पार्टी और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव से इन विधायकों की मुलाकात के बाद उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं।